ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आठमो अध्याय। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी कहियो, हे विदुर जी, तमे भगवत भक्तों मा मुख्य एवा लोकपाल यमराज ज छो। तमारा पुरु वंश मा जन्म लेवाने कारणे ते वंश साधु पुरुषों माटे पण सेवन योग्य बन्यो छे। धन्य छे तमे निरंतर डगले ने पगले श्री हरि ने कीर्तिमय माड़ा ने नित्य नूतन बनावी रहिया छो। हवे हूँ तुच्छ विषय सुखनी कामना थी महादुख वहोरी लेनारा मनुष्योना दुखना निवारण माटे श्रीमद भागवत पुराण कहेवानो प्रारंभ करू छू के जेने स्वयं श्री शंकरषण भगवाने सनकादि ऋषियों ने संभळाव्यू हतु। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान श्री शंकरषण पोताना लोकमा विराजमान हता। सनत कुमार वगैरे ऋषियोए परम पुरुषोत्तम ब्रह्मनु तत्व जाणवा माटे तेमने प्रश्न कर्यो। ते समये शेष जी पोताना आश्रय स्वरूप ते परमात्मानी मानसी पूजा करी रहिया हता के जेमनु वेदो वासुदेवना नामे निरूपण करे छे। तेमना कमल कोष जेवा नेत्रो मिंचायेला हता। प्रश्न करवाथी तेमने सनत कुमार वगैरे ज्ञानीओना आनंद माटे अधखुला नेत्रो थी जोयू। शेष भगवानना जे चरण कमळोनी नाग कन्याओ प्रेम शबर थईने अनेक उपहारो साथे तेमने पति रूपे प्राप्त करवा माटे पूजा करे छे। शेष भगवाननी ए पाद पीठने देव नदी गंगाना जड़थी भींजायेली जटा समूह वाला सनत कुमारोए वंदन करिया। सनत कुमार वगैरे तेमनी लीलाना मरमग्न छे। तेमने वारंवार प्रेम गदगद वाणी थी तेमनी लीलाओनु गान कर्यू। ते समये शेष भगवानी उन्नत सहस्त्र फणाओ मुगटोना हजारो मणिओना प्रसरता किरणों थी जगमगी रही हती। भगवान श्री शंकरषणे निवृत्ति परायण सनत कुमारोने आ भागवत संभळाव्यू हतु। ए वात प्रसिद्ध छे। सनत कुमारो जीए पछी आ भागवत परम व्रती सांख्ययन मुनि ने तेमना पूछवाथी संभळाव्यू। परमहंसोमा मुख्य श्री सांख्यायन जी ने ज्यारे भगवाननी विभूतियोनु वर्णन करवानी इच्छा थई त्यारे तेमने पोताना अनुयायी शिष्य अमारा गुरु श्री पराशर जी ने अने बृहस्पति जी ने आ पुराण संभळाव्यू। त्यार पछी परम दयाळु पराशर जीए पुलत्स्य मुनिना कहेवाथी ए आदि पुराण मने कह्यू। हे वत्स, तमने श्रद्धाळु अने जिज्ञासु जोईने हवे एज पुराण हूँ तमने संभळावुं छूं। सृष्टि रचना पहला आ संपूर्ण विश्व जड़मा डूबेलू हतू। ते समये एकमात्र श्री नारायण देव शेष शय्या पर पोतानी ज्ञान शक्ति ने अक्षुण राखीने योग निद्रानो आश्रय लई पोतानी आँखों बंध राखीने पोढेला हता। सर्जन कार्यथी निवृत्त थईने आत्मानंदमा मग्न हता। तेमनामा कोई पण क्रियानु प्रगटीकरण न हतु। जेवी रीते अग्नि पोताना दाहक शक्तिने छुपावीने लाकड़ामा व्याप्त रहे छे तेवी ज रीते श्री भगवाने समस्त प्राणियोना सूक्ष्म शरीर ने पोताना शरीर मा लीन करीने पोताना आधारभूत ते जड़मा शयन कर्यू। सृष्टि काळ आव्ये थी तेमने फरी जगाडवा माटे केवल काळ शक्ति ने जागती राखी। आ प्रमाणे पोतानी स्वरूपभूत चित शक्ति सहित 1000 चतुर्योगो सुधी जड़मा शयन कर्या पछी जारे तेमने ज नियुक्ति करेली तेमनी ते काळ शक्तिए तेमने जीवोना कर्मोनी प्रवृत्ति माटे प्रेरित करिया त्यारे तेमने पोताना शरीर मा लीन थयेला अनंत लोक जोया। जे समय भगवाननी दृष्टि पोतानामा निहित लिंग शरीर वगैरे सूक्ष्म तत्व पर पड़ी ते समये ते सूक्ष्म तत्व कालाश्रित रजोगुणथी क्षुब्ध थईने सृष्टिना निमित्ते तेमना नाभि प्रदेशमाथी बहार निकळ्यू। कर्म शक्ति ने जगाड़नारा काड़ वड़े विष्णु भगवाननी नाभिमाथी प्रगट थयेलू ते सूक्ष्म तत्व कमल कोष रूपे एकदम उन्नत थयू अने तेणे सूर्यनी जेम पोताना तेज थी ते अपार जड़ राशि ने दे दीप्यमान करी दीधो।
समस्त गुणों ने प्रकाशित करनारा ते सर्वलोकमय कमळमां ते विष्णु भगवान ज अंतर्यामी रूपे प्रवेश्या। त्यारे तेमाथी भणाव्या विनाज स्वतः संपूर्ण वेदोना ज्ञाता साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्माजी प्रकट थया के जेमने लोको स्वयंभू कहे छे ते कमरनी गादी मां बैठेला ब्रह्माजी ने जारे कोई लोक देखायो नहीं त्यारे तेओ विस्फारित नेत्रोथी आकाश मां चारे तरफ गर्दन फेरवीने जोवा लाग्या। तेथी तेमने चारे दिशाओ मां चार मुख थई गया। ते समय प्रलय कालीन पवननी झापटो थी उछड़ती जड़ तरंग माळाओ ने कारणे ते जड़ राशिनी उपर आवेला कमळ पर विराजमान आदिदेव ब्रह्माजी ने पोतानु तथा ते लोक तत्वरूपी कमळनु कसुज रहस्य समझायु नहीं। तेओ विचारवा लाग्या आ कमळ कर्णिका पर बैठेलो हूँ कोण छू? आ कमळ पण अन्य कशा आधार विना जड़मा क्यांथी उत्पन्न थयु? तेनी नीचे अवश्य कोई एवी वस्तु होवी जोइए के जेना आधारे आ रहेलु छे। आम विचारीने तेओ ते कमळनी नाड़ना सूक्ष्म छिद्रोमां थईने ते पाणीमां पेठा, परंतु ते नाड़ना आधारने शोधता शोधता नाभि प्रदेशनी नजीक पहुंच्या तो पण तेओ तेने पामी शक्या नहीं। हे विदुरजी, ते अपार अंधकार मा पोताना उत्पत्ति स्थान ने शोधता शोधता ब्रह्मा जी ने घणो काल वीती गयो। आ काल ज भगवान नु चक्र छे जे प्राणियों ने भयभीत करतु रहे छे। अंते विफड़ मनोरथना थईने तेओ त्यांथी पाछा वड़िया अने फरी पोताना आधारभूत कमळ पर बेसीने धीरे धीरे प्राणवायु ने जीतीने चित्तने संकल्प शून्य कर्यो अने समाधिमा स्थित थई गया। आ प्रमाणे पुरुषना पूरा आयुष्य बराबरना समय अर्थात दिव्य 100 वर्ष सुधी सारी रीते योगाभ्यास करवाथी ब्रह्माजी ने ज्ञान प्राप्त थयो। त्यारे तेमणे पोताना ते अधिष्ठानने के जेने तेओ पहला खोड़वा छताय जोवा पाम्या न हता तेने पोताना ज अंतःकरणमा प्रकाशित थतु जोयु। तेमणे जोयु के ते प्रलय कालीन जड़मा शेषजीना कमळनाड़ सदृश गोरा अने विशाड़ विग्रहनी सैया पर पुरुषोत्तम भगवान एकलाज सुतेला छे। शेषजीनी 10,000 फणाओ छत्रनी जेम फैलायेली छे। तेमना मस्तको पर मुगटो शोभायमान छे। तेमनामा जे मणियो जड़ेला छे तेमनी कांति थी चारे तरफनो अंधकार दूर थई गयो छे। तेओ पोताना शामळा शरीरनी आभाथी मरक्तमणी पर्वतनी शोभाने लज्जित करी रह्या छे। तेमनी कमर पड़नो पीळो पट पर्वतना टोचना प्रदेशमां छवायेला संध्याकाळना पीळा पीळा चमकीला मेघोनी आभाने झांखी पाड़ी रह्यो छे। माथा परनो सुशोभित सोनानो मुगट सुवर्णमय शिखरोनो गर्व गाड़ी रह्यो छे। तेमनी वनमाळा पर्वतना रत्नो जड़धोध औषधियो अने पुष्पोना सौंदर्यने पराजित करी रही छे तथा तेमना भुजदंड वेणुदंडने अने चरणोनी वृक्षोने तिरस्कारी रहिया छे। तेमनो ते श्री विग्रह पोताना परिमाण थी लंबाई पहोड़ाईमा त्रिलोकीने समावी लई रह्यो छे। ते पोतानी शोभाथी विचित्र अने दिव्य वस्त्राभूषणोनी शोभाने सुशोभित करनारो हुआ छता पण पीतांबर वगैरे ते युक्त पोतानी वेशभूषाथी सुसज्जित छे। पोतपोतानी अभिलाषानी पूर्ति माटे भिन्न भिन्न मार्गे पूजा करनारा भक्तोने कृपापूर्वक भक्तिनी इच्छाना कल्पतरु एवा चरण कमळोनु दर्शन आपी रह्या छे के जेमना सुंदर आंगड़ियोना समुदाय नखचंद्रोनी चांदनी थी नोखा नोखा स्पष्ट चमक्या करे छे। सुंदर नाक कृपा वर्षावता भवा कानोमा जड़हड़ता कुंडड़ोनी शोभा बिंफड़ जेवा लाल लाल होठोनी कांति अने लोकपीड़ा हारी स्मितथी युक्त मुखारविंद तेओ पोताना भक्तोनु सम्मान अभिनंदन करी रहिया छे। हे वत्स, तेमना नितंब पर कदंब पुष्पना केसर जेवू पीड़ू वस्त्र अने सुवर्णमय कटी मेखला शोभी रहिया छे।
તથા વક્ષઃ સ્થળ પર અમૂલ્ય હારની અને સોનેરી રેખાવાળા શ્રીવત્સ ચિહ્નથી અપૂર્વ શોભા દીપી રહી છે। તેઓ અપ્રગટ મૂળવાળા ચંદન વૃક્ષ જેવા છે। મહામોંઘા કેસર અને ઉત્તમોત્તમ મણીઓથી સુશોભિત તેમના વિશાળ ભુજદંડ જાણે કે તેની હજારો ડાળીઓ છે। અને ચંદનના વૃક્ષોમાં જેમ મોટા મોટા સાપ લપેટાયેલા રહે છે, તેવી જ રીતે તેમના ખભાઓ પર શેષજીની ફણાઓ લપેટી રહેલી છે। નાગરાજ અનંતના બાંધવ તે શ્રી નારાયણ એવા જણાય છે કે જાણે જળથી ઘેરાયેલો કોઈ પર્વતરાજ જ હોય। પર્વત પર જેમ અનેક જીવો રહે છે, તે જ રીતે તેઓ સમસ્ત ચરાચરના આશ્રય છે। શેષજીની ફણા ઉપર જે હજારો મુગટ છે, તે જાણે કે તે પર્વતના સુવર્ણ મંડિત શિખરો જ છે। તથા વક્ષઃ સ્થળ પર વિરાજેલો કૌસ્તુભ મણિ જાણે કે તે પર્વતના ગર્ભમાંથી પ્રગટેલું રત્ન છે। પ્રભુના ગળામાં વેદરૂપી ભમરાઓથી ગુંજતી પોતાની કીર્તિમય વનમાળા વિરાજી રહે છે। સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ વગેરે દેવતાઓની પણ ત્યાં સુધી પહોંચ નથી, તથા ત્રણેય લોકમાં વિના અવરોધ વિચરણ કરનાર સુદર્શન ચક્ર વગેરે આયુધો પણ શ્રી પ્રભુની આજુબાજુ ઘૂમતા જ રહે છે। તેમના માટે પણ તેઓ અત્યંત દુર્લભ જ છે। તે સમયે વિશ્વરચનાની ઈચ્છાવાળા લોકવિધાતા બ્રહ્માજીએ ભગવાનના નાભિ સરોવરમાંથી પ્રગટેલું તે કમળ, જળ, આકાશ, વાયુ અને નિજ શરીર કેવળ આ પાંચ જ વસ્તુઓ જોઈ, એ સિવાય અન્ય કશુંય તેમને દેખાયું નહીં। રજોગુણથી વ્યાપ્ત બ્રહ્માજી પ્રજાનું સર્જન કરવા ઈચ્છતા હતા। તેમણે જ્યારે સૃષ્ટિના કારણરૂપ માત્ર આ પાંચ જ વસ્તુઓ જોઈ, ત્યારે તેઓ લોકરચના માટે ઉત્સુક હોવાને કારણે અચિંત્ય ગતિના શ્રીહરિમાં ચિત્ત પરોવીને તે પરમ પૂજનીય પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા। ત્રીજા સ્કંદ અંતર્ગત આઠમો અધ્યાય સમાપ્ત। જય શ્રી કૃષ્ણ।